ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सेकेंड यूनिट ऑफ क्लास 11, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं, 1-2 तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, क्यों कोई और यूनिट नहीं आई, एटॉमिक स्ट्रक्चर ही क्यों आई। असल में अगर आप लोग देखें, पिछली जो यूनिट थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम लोगों ने ज्यादातर मैटर के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैटर। अगर आप लोग जाने थोड़ा सा मैटर, मैं पीछा थोड़ा सा बता दूं, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास, और उसका कुछ ना कुछ मास हो, एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आप सबको पता है कौन कौन से हैं। 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से वो फील हो जाए, उसका कुछ स्पेस हो, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, तो उसको बोला गया था मैटर। कंप्लीट बता चुका हूं। तो मैटर की कंपोजिशन के बारे में, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने, बहुत सारे फिलोसफर्स ने, खासकर इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने बताया था कि मैटर किससे बना हुआ है। तो जैसे कि इंडियन फिलोसफर्स और ग्रीक फिलोसफर्स ने बताया था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, दैट यू नो आई थिंक, ठीक है। लेकिन जो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैटर की, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है मैटर से। जो भी चीज इस यूनिवर्स में है उसको मैटर बोला जाता है, ठीक है। इस मैटर की स्ट्रक्चर को साइंटिफिकली सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? डाल्टन ने किया था, और उसने एक थ्योरी दी थी, उसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैटर है, मैटर कंसिस्ट्स ऑफ किससे बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उसने इसका नाम दिया एटम्स। क्या बना है मैटर? बहुत ही छोटी छोटी चीजों से बना है, जिसका नाम होता है एटम, ठीक है। एटम जो है ये 2 वर्ड से आया, ए टॉम मींस अब्सेंट, टॉम मींस ब्रेकिंग, जिसको आगे ना तोड़ा जा सके। मतलब जो सबसे छोटी चीज किसी मैटर के अंदर है वो क्या है? एटम है, ठीक है। ऐसा ही बोला ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। इसको इस तरीके से समझते हैं कि कोई भी एक मैटर ले लो। मैटर के समझने के लिए मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि मेरे पास ये एक घर है, इस घर में, घर इज अ मैटर, इजंट इट, ठीक है। उसने क्या बोला कि इस घर को के ऊपर आप एक क्रेन से बहुत हैवी वेट डाल दो। ये क्रेन से एक बहुत हैवी वेट इसके ऊपर डाल दिया तो ये टूट गया, तो ये इसका गार्बेज हो गया। ये गार्बेज है, ठीक है। इसका जो ये टूटने के बाद बना है, आफ्टर ब्रेकिंग, इसमें सबसे छोटी चीज, जो सबसे छोटी चीज थी उसको, मान लो ये है वो सबसे छोटी चीज, इसको निकाल लिया कि भाई अब ये आगे नहीं टूटेगा, जितना टूटना था टूट चुका। इस छोटी चीज को डाल्टन ने बोल दिया भाई ये है एटम, ठीक है। ऐसे समझो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी चीज है वो है सेल। तो अगर वो आगे नहीं टूट सकती है तो उसको बोल दिया एटम, क्लियर है, सबसे बेसिक यूनिट।
तो ऐसे ही उसने बोला कि हर सब्सटेंस, हर मैटर इस यूनिवर्स में जो बना है उसमें सबसे छोटी चीज क्या है? एटम। तो इसका मतलब मैटर मस्ट बी रिलेटेड टू द एटम। वो सिर्फ और सिर्फ एटम अगर आप बदल दोगे तो वो मैटर बदल जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा। अगर आप लोग एटम सेम लेते हो तो वो मैटर सेम रहेगा। यही तो बात हुई ना भाई। अगर ये घर इन इन एटम से बना था, अगर मैं चलो इसी को दिखा दूं, ये वाला एटम है, जैसे इसको ऐसे थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं भाई समझाने के लिए, ये ऐसे, ये वाला इसका एटम था। तो ये सारे के सारे, अगर मेरे पास ये और आ गया तो दूसरा एक छोटा सा पार्टिकल उठा लिया तो ये भी एटम। तो ये क्योंकि एक जैसे हैं, पर अगर मैंने ये ले लिया तो ये एटम में बदलाव आ गया कि नहीं आ गया? तो एटम बदल गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये मैटर भी बदल गया। ऐसा डाल्टन बोलता था, डाल्टन ने ऐसा कहा। तो अब बात करें कि फिर पंगा क्या हो गया। अगर एटम सबसे छोटी चीज है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या जाननी है? अगर जो चीज सबसे छोटी, ये मैटर था, इस मैटर में सबसे छोटी चीज यही थी, तो ये ही एग्जिस्ट करना चाहिए इंडिपेंडेंटली। इससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन आगे किसी, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिससे ये बना है वो तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा तो यही है। तो ऐसा बोला गया। लेकिन जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को सबसे पहला जो सेटबैक था, द फर्स्ट सेटबैक मतलब इसकी जो लिमिटेशन थी, द फर्स्ट सेटबैक टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी was on the basis of Michael Faraday's experiment, या Michael Faraday's studies। माइकल फेराडेज की स्टडीज के बेस पे पहला सेटबैक आया। माइकल फेराडे का क्या सेट? अब ये नाम याद रखो, आप लोगों को मैं बताता हूं ये कैसे। माइकल फेराडे का ने कुछ स्टडी की, उस स्टडी के बेस पे पहला सेटबैक जो लगा कि भाई ये एटम सबसे छोटा नहीं है, उसने बताया, फेराडे ने observed the relation between किस के बीच में? मैटर और एटम के बीच में होता, तो डाल्टन ठीक था कि हाँ भाई एटम इसमें सबसे छोटी चीज है, लेकिन मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में पहला रिलेशन आ गया। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट अ चार्ज, याद रखें बच्चों जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइम ही आए अपीयर हुए हैं और साइंस स्ट्रीम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको शायद आइडिया ना भी हो, तो मैं बता दूं इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज, बट एटम तो चार्ज्ड नहीं है, एटम तो न्यूट्रल है, एटम के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका साफ साफ मतलब था, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या कंक्लूड किया जा सकता है? From this observation, it can be concluded that it can be concluded that atom is having some charged particles in it, Atom के अंदर कुछ ना कुछ charged particles भी हैं। इसका मतलब, so ये कब possible है? It is possible only when, ये कब possible हो सकता है बता सकते हो? It is possible only when atom is divisible। एटम अगर डिविजिबल है, आगे टूट सकता है, ये तो तभी पॉसिबल है भाई। अगर हम एटम को तोड़ दें, ये मेरे पास एटम था,
ये अगर तो इंडिविजिबल होता तो मैटर फैराडे की ऑब्जर्वेशन पे भी बेस्ड, मैटर एटम पे ही होता, चार्ज पे तो नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट नहीं करता। पर अगर वो कर रहा है, इसका साफ मतलब है कि इस एटम में कोई चार्ज्ड चीज भी है कि नहीं। तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या रिलेशन दिया, आगे पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तो ये समझो भाई इससे रिलेटेड नहीं है अकेला, मैटर इलेक्ट्रिसिटी से भी है। इसका मतलब इस एटम में कोई चार्ज्ड पार्टिकल भी है। अगर वो चार्ज्ड पार्टिकल है तो इसका मतलब एटम फर्दर टूट सकता है। क्लियर है? इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, अभी मैं आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, कैथोड रेज, एनोड रेज एक्स-रेज एक्सेट्रा फर्दर स्पोर्ट्स दी डिविजिबिलिटी ऑफ एटम डिविजिबल है, ये कैथोड रेज, एनोड रेज और एक्स रेज से भी कंफर्म होता है। क्लियर है? तो यहां से आप लोगों को क्या पता चला कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा रहा हूं। अगर आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो वो उसमें सबसे छोटी चीज एटम ही थी, तो एटम आगे नहीं टूट सकता, तो एटम की स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो एक छोटा सा इंडिविजिबल पार्टिकल है, तो वो इटसेल्फ इज कंस्टिट्यूटिंग ए मैटर। मैटर को सबसे छोटी चीज वही कंस्टिट्यूट कर रहा था, तो उससे तो छोटा कुछ है नहीं, तो उसकी आगे स्टडी करने की जरूरत नहीं। लेकिन पता क्या चला फैराडे ने के बेसिस पे, फैराडे की स्टडीज के बेसिस पे पहला सेटबैक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे आया, जिसके अकॉर्डिंग एटम सबसे इंडिविजिबल है, सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिविजिबल है, और वो क्या था कि भाई मैटर चार्ज से रिलेटेड है और एटम तो चार्ज्ड होता नहीं, इसका मतलब एटम के अंदर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, इसका साफ मतलब था कि एटम आगे टूट सकता है। इसके अलावा जो कैथोड रेज, एनोड रेज, ये अभी आप लोगों को बताऊंगा, एक्स रेज एक्सेट्रा, ये भी बताते हैं कि एटम डिविजिबल है, एटम इनडिविजिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एटम डिविजिबल है। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे इस यूनिट में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलूं अब आगे। अब हम लोग कहाँ पे बात करते हैं, अब बहुत सारी स्टडीज होगी, तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे मैं आप लोगों को बताता हूं, ज्यादातर किन्होंने काम किया था। वेरियस रिसर्चर्स, ये जो ऑब्जर्वेशन थी इनके बेसिस पे, ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, these observations, various scientists get motivated, उनको लगा के भाई जरूर एटम के अंदर कुछ ना कुछ है, तो get motivated to study the structure of एटम। एटम की स्ट्रक्चर जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट क्या हो गए, मोटिवेट हो गए। लाइक कौन कौन से साइंटिस्ट थे, सबसे कॉमन नाम जे जे थॉमसन है। इसके अलावा जो था चैडविक है, गोल्डस्टीन हैं, इसके अलावा जूलियस प्लकर थे, रदरफोर्ड है, बोहर है, नील बोहर, ये सब आपने नाम सुन रखे होंगे। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्टडी को कंटिन्यू किया। ठीक है, तो अब इनकी स्टडीज कहाँ पे हुई, कैसे हुई, इनने क्या क्या स्टडीज किया, क्या क्या स्टडी की इन्होंने, अब हमें जानना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल स्टडीज
several studies, 35 subatomic particles have been discovered so far, बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, इसमें से 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटॉमिक पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ एटम्स जो एटम से बनते हैं, बट सब को ऐसे समझो जैसे इंस्पेक्टर से छोटा होता सब इंस्पेक्टर, तो ऐसे ही जो एटम के छोटे पार्टिकल्स हैं उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जिनसे एटम्स बना हुआ है उनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं एंड विच आर हैविंग द साइंटिफिक एटीट्यूड, उन के दिमाग में पार्टिकल के बारे में भी चल रहा होगा। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि पार्टिकल्स वो चीज होती हैं विच हैव सम मास। ऐसे समझो जैसे कि ये लाइट मेरे ऊपर गिर रही है बट आई एम नॉट अफेक्टेड, तो ये वेव्स आ रही है। पर अगर मान लो कि मैं ये चौक मारूं फेंक के किसी पे, तो वो अफेक्ट होगा, वहां जाके वो स्ट्राइक कर रहा है बिकॉज ऑफ द मास। तो ये पार्टिकल बोले जाते हैं, इनके छोटी चीजों को पार्टिकल्स बोलते हैं। क्लियर? विच हैव सम मास। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ मास है, इसीलिए इनमें पार्टिकल टर्म बोली गई है। आगे धीरे धीरे आप लोग वेव भी समझ जाओगे, तो ये हर पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या हुआ, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी किया, स्टडी ज्यादातर इन साइंटिस्ट ने की है, और इन स्टडीज के बेसिस पे अब तक 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ चुके हैं। बट द इलेक्ट्रॉन द प्रोटॉन, देखो नाम के आगे दी लगा रहा हूं, द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, दी टर्म तब लगती है ज्यादातर किसी नाम से पहले जब उसको क्या ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाए, ज्यादा रिस्पेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो तो उसके नाम के आगे क्या बोला जाता है, दी बोला जाता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जो है, वो हम लोग इंडिया में कहें तो इंडिया में वो क्रिकेट के भगवान है, तो हम लोग उसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, दी सचिन तेंदुलकर, तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वो उसका बेस है, क्रिकेट का बेस कह सकते हैं। जब क्रिकेट की ज्यादा डेवलपमेंट हुई उसमें सबसे ज्यादा हाथ अगर हम कहें, वैसे तो बहुतों के हाथ हैं, दी कपिल देव, क्लियर, ऐसे समझ सकते हो। तो बट द इलेक्ट्रॉन्स द प्रोटॉन द न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ, तो ये बेसिक पार्टिकल्स ये हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम्स के तीन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। मेनली एटम इन्हीं से बना है। जैसे कि घर में अगर हम लोग बात करें तो क्या बताएंगे कि भाई जैसे ही घर को तोड़ा गया ईंटें निकली, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग तो वही एटम था, बट हमें बाद में पता चला नहीं ईंट तो आगे टूट सकती है। अब ईंट टूट के पता चला उसमें मिट्टी निकली, क्या मिट्टी से ही बना था सिर्फ वो, तो नहीं, उसके अंदर फिलर्स भी डाले गए थे, फिलर्स जैसे कि ये फूस वूस वगैरह भी डाल दिया जाता है उसके अंदर, ताकि उसका एक्सपेंशन वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाए और उसका जो वेट है वो कंट्रोल हो जाए, तो उसके लिए और भी चीजें डाली गई। बट मेनली क्या डाला गया, जिसकी ज्यादा परसेंटेज थी उस ईंट के अंदर, तो आप कहोगे सर मिट्टी, तो मिट्टी इज द फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्रिक। ईंट का फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट क्या है, ब्रिक। ऐसे ही बहुत सारे हैं, मैंने यहां लिखे नहीं, फॉर एग्जाम्पल सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, पॉजिट्रॉन हो सकता है,
पॉजिट्रॉन है, मीजोन्स हैं, ठीक है, एटसेट्रा, ये क्या है आपके, ये हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर पूरे एटम को कंस्टिट्यूट करते हैं, हमारे ज्यादा काम आएंगे, वो तीन हैं। और वो तीन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को आई विल रिप्रेजेंट ई के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन को पी पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन को एन, ताकि आप लोगों को इतने दिन में याद भी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स को बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे मेनली एटम बना हुआ है, मेनली नॉट कंप्लीट एटम बट मेनली जिससे एटम बना हुआ है, वो तीन है, द इलेक्ट्रॉन, द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। अब इनकी ही डिस्कवरी कैसे डिस्कवर हुए वो अब हमें जानना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी डिस्कवरी स्टडी करने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करते हैं भाई। डिस्कवरी ऑफ, पहला स्टडी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। आप लोगों को कैथोड रेज पे ज्यादा फोकस करना है यहां पे। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आपके जो क्लास में एग्जाम्स होंगे उनके काम में ये आ सकता है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। बट मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि साइंस जो है वो है क्या, सिक्वेंशियल स्टडी। अगर आपको कोई चीज पढ़नी है, अगर मैं डायरेक्ट सीधा आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन ये है, प्रोटॉन ये है, न्यूट्रॉन ये है, तो आप में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा। साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। आप लोगों में से ही कल को कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई नई रिसर्च करेगा, तो वो उसको पता तो होना चाहिए कि सोचना कैसे है। तो यही चीज यहां पे चलेगी। अब तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे, कैसे कैथोड रेज से को ही हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ये अब आपको जानना है। तो ये कैसे हुई डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। एक्चुअल में विलियम क्रुक वाज स्टडिंग दी कंडक्शन और कंडक्टेंस इन गैसेस। वो क्या कर रहा था, कंडक्टेंस स्टडी कर रहा था, किसमें, इन गैसेस, बाय यूजिंग क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब। इसको कई लोग कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। एक्चुअल में देखो, समझो इस चीज को कि क्रूक यहां पे क्यों पहुंचा। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि फैराडे वो भी क्या पढ़ रहा था, चार्ज ही स्टडी कर रहा था। तो दिमाग में ये आया कि वो चार्ज किसमें कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, ऐसे समझ लो, पानी लिया, पानी में नमक डाला और उसका अंदर के चार्ज कैसे फ्लो करता है, कितना फ्लो करता है, ये वो स्टडी कर रहा था। क्या स्टडी कर रहा था, जैसे कि ये था तुम्हारे पास नमक और पानी का सॉल्यूशन, और इसमें से वो कंडक्टेंस को स्टडी कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहा था। मैं पूरा फोटो नहीं बना रहा हूँ, वो क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो वो पढ़ रहा था नमक के पानी में से कंडक्टेंस और कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितना चार्ज चलेगा, ये वो जान रहा था। तो अब दिमाग में तो सभी क्या आएगा कि यार ये तो ठीक है, पानी में नमक डाल के कर रहा है, कंडक्टेंस होगा, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन गैसेस यू नो आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से लोगों के दिमाग में आया कि क्या मैं गैसेस के अंदर से भी कंडक्टेंस कैरी कर सकता हूं क्या। तो बस यही किसको मोटिवेट कर रहा था, विलियम क्रूक को। वो चाह रहा था कि मैं क्या देखूं, गैसेस के अंदर कंडक्टेंस को स्टडी करूं।
समझ में आई बात? अगर कोई किसी और चीज पे काम कर रहा है तो मैं सोचूंगा कि मैं किसी और चीज पे काम करके देखूं। भाई वो मान लो इस चौक पे काम कर रहा था, तो मैंने लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया कि भाई चलो इस पे देख लेता हूं काम करके कि इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए वो स्टडी कर रहा था क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब में। अब यहां पे क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब, या फिर इसको क्या भी बोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, इसको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला जाता है। तो आप लोगों को दोनों में से कोई ऐसा भी नाम आ जाए आप लोग इजीली कह सकते हैं, बेटर टू राइट CDT कैथोड क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, इसको भी CDT कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल सकते हैं, विलियम क्रूक ने डिजाइन की थी। अब पहले तो मैं आपको कैथोड रे, चलो क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब ही बताऊंगा, क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब। अब वो कैसे कर रहा था इसको जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट पहले तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है ये आप लोगों को जानना है। दिस इज क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब, दैट इज CDT, आई विल राइट इट एज CDT। ओके, क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? तो भाई बच्चों आप लोगों को सबसे पहले तो डिस्चार्ज का मतलब समझना चाहिए। व्हाट इज डिस्चार्ज? डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ मीडियम, थ्रू अ मीडियम, या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ मीडियम। स्पेशली, स्पेशली क्या है, स्पेशली द गैसेस, गैसेस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी गैसेस और थ्रू एनी मीडियम, उसको बोला जाता है डिस्चार्ज। आप लोगों ने डिस्चार्ज के बहुत सारी चीजें स्टडी की होंगी, जैसे कि डिस्चार्ज हो गया भाई, वो एडमिट था हॉस्पिटल में, आज उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो किसी चीज को रिमूव करना भी डिस्चार्ज होता है, रिमूवल, और या फिर वो रिमूवल नहीं, वो क्या भी कह सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो किसी भी मीडियम से, बट वो स्पेशली गैसेज हो तो ज्यादातर डिस्चार्ज टर्म यूज की जाती है, क्योंकि क्रूक ने ये डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और उसने किस पे स्टडी कर रहा था, गैसेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस, वही ये स्टडी कर रहा था। तो क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्चार्ज का मीनिंग समझ में आ गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो डिस्चार्ज का मतलब होता है ये, ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब रिमूवल भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब कैसी है, बनी किससे हुई है, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो डिस्चार्ज ट्यूब CDT लिख देता हूं यहां पे, CDT की कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखता हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ CDT, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे भाई बच्चों। चाहो तो इस स्टेज पे मैं एक लाइन में भी बता सकता हूं, बट 11th क्लास है और फर्स्ट टाइम आप लोग साइंस को पढ़ रहे हो, प्रॉपरली केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो इसके लिए आप लोगों को हर चीज जानना मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है, तो दैट इज अ नेसेसिटी, तो जरूरी है, इसलिए मैं हर बात बता रहा हूं आपको। तो क्या होता है CDT, ये किससे बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब of around 60 सेंटीमीटर लेंथ, 60 सेंटीमीटर लेंथ की एक ग्लास ट्यूब है, ये है, इसके दोनों टर्मिनल पे टू इलेक्ट्रोड्स, ऐसे लिखते हैं पहले, इलेक्ट्रोड्स आर fitted on the terminals भी closed हैं, closed terminals I should mention, कि ये terminal और ये terminal बंद हैं, closed terminals of electrodes are fitted on the closed terminals of discharge tube, of glass tube,
ग्लास ट्यूब के दोनों टर्मिनल पे इलेक्ट्रोड्स फिट किए हुए हैं। अब यहां से आप लोगों को पहले तो इलेक्ट्रोड जान लेना चाहिए क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? मेटेलिक पीस, मेटेलिक पीस, पीसेस एक ही है तो मेटेलिक पीस, पीस यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड फॉर, किसके लिए? ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन में हेल्प करे। जैसे कि आप ऐसे समझो कि मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक स्विच था, इस स्विच से मैंने ये वायर लगा दी, ये वायर लगा दी, और इस वायर के ये टर्मिनल को मैंने ओपन छोड़ दिया है, ठीक है, ये स्विच था ऑन कर दिया। तो क्या अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी, इसका चार्ज मुझ तक पहुँचेगा? तो तुम कहोगे नहीं सर, ऐसे नहीं पहुँचेगा। तो फिर कैसे पहुँचेगा? तो मैंने क्या किया, मेटल का एक टुकड़ा लगा दिया, मेटल का टुकड़ा लगा दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां पे हो गया, किसके थ्रू? इस मेटल के पीस के थ्रू। तो इस मेटल के पीस ने सिर्फ किसको अलाउ किया? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन को। तो ये इलेक्ट्रोड का काम करेगा, समझ गए? तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जो के किस एक मेटल के जस्ट एक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिसका काम कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को एक को ट्रांसमिट करने का है, आगे की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, बस और कोई काम नहीं है। तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोड, क्लियर? तो ये दो मेटल के टुकड़े लगा दिए, ठीक है। इसके अलावा क्या किया गया है? द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट किए गए हैं? कनेक्टेड टू, द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ, टर्मिनल्स ऑफ ऑफ डीसी सोर्स। डीसी, बच्चों ध्यान दे, डीसी लिखा है, डीसी इज डायरेक्ट करंट। मैं बता देता हूं क्या होता है, होपफुली आप लोगों में से कुछ एक को पता होगा। टर्मिनल्स ऑफ डीसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का डीसी सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी डीसी होता है, डीसी इज डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। आप लोगों को घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो होती है क्या? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट जो होता है वो वेव की फॉर्म में चलता है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये तो है अल्टरनेट करंट। अगर एक ही फेज में चले, जैसे कि सिर्फ इस फेज में चल रहा है, तो ये है डायरेक्ट करंट, ठीक है। आपको डायरेक्ट करंट मिलता है घर में जो इन्वर्टर बैटरीज आप लोग यूज करते हैं उनसे आती है क्या? डायरेक्ट करंट आता है। और अल्टरनेट करंट जो है, ये जो आप लोगों के हाउस होल्ड्स जो हैं उनके अंदर, हाउसेस के अंदर आपको अल्टरनेट करंट मिलेगा, जो के आपका ट्रांसफॉर्मर के बाद जो आता है, ट्रांसफॉर्मर के, ठीक है, जो पावर हाउसेस से जो आता है वो आता है डायरेक्ट करंट, फिर उसको ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट करके अल्टरनेटिंग करंट में हमारे घर तक पहुंचाता है, ठीक है, हमारे घरों में अल्टरनेट करंट आएगा। तो ये वो इस फॉर्म में चलता है और ये डायरेक्ट करंट है, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के सोर्स से हम लोग क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोड्स को जोड़ देंगे, ठीक है। यहां से जोड़ दिया, ये ऐसे, ये ऐसे जोड़ दिया है, सो इस तरीके से, लेट इट इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड इट इज द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसकी वजह से यहां पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो द इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू, कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, एंड कैन अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट कर सकता है? अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड,
पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को ये अट्रैक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं इनको बोला जाता है भाई बच्चों, आपको पता है, कैटायंस। एंड नॉन एज, ऐसा इलेक्ट्रोड जो कैटायंस को अट्रैक्ट करे, नॉन एज कैथोड, जो किसको अट्रैक्ट करेगा, जो कैटायंस को अट्रैक्ट करेगा वो होगा कैथोड, जो कैटायंस को खींचे। कैटायंस को कौन खींचेगा, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो ये क्या बन गया भाई हमारे पास, दिस इज द कैथोड। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, एंड दिस इज द, तो अब दूसरी बात भी लिख देता, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कैन अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। और नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या होते हैं भाई, एनायंस, एंड नॉन एज इसको क्या बोल देंगे, एनोड। तो ये इलेक्ट्रोड के बारे में थी पूरी की पूरी बात। ये है इलेक्ट्रोड्स, आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोड तो वो है जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन में काम आते हैं, वो तो इलेक्ट्रोड्स हो गए। और इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के हैं, कैथोड एक एनोड। अगर तो वो कैटायंस को अट्रैक्ट करता है तो कैथोड, और एनायंस को अट्रैक्ट करता है तो एनोड। हो गया, अब कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है हमारे पास। दी ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब से ज्यादा, देयर इज अ साइड, साइड ट्यूब प्रेजेंट, देयर इज अ साइड ट्यूब प्रेजेंट ऑन द मेन ट्यूब। मेन ट्यूब के ऊपर एक साइड ट्यूब भी प्रेजेंट है, साइड ट्यूब भी प्रेजेंट है, विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू वैक्यूम पंप से कनेक्ट करने के लिए जिसको यूज किया जाता है, वैक्यूम पंप। दिस इज वैक्यूम पंप। ओके, सो दिस इज द वैक्यूम पंप। क्लियर, होपफुली क्लियर हो रहा होगा, सारी बातें क्लियर आ रही है समझ में। एक मेन ग्लास ट्यूब ली गई है 60 सेंटीमीटर की, उस पे दो इलेक्ट्रोड्स फिक्स कर दिए गए हैं, और उनमें से एक कैथोड है, एक एनोड है, और एक साइड ट्यूब है जो वैक्यूम पंप से लगेगी। ये क्या काम करता है, इट इज यूज्ड टू रिमूव गैसेस इनसाइड दी ग्लास ट्यूब। जो ग्लास ट्यूब है आपकी मेन, उसमें से गैसेस को निकालने के लिए ये ट्यूब यूज की जाती है। वैक्यूम क्लीनर आपने देखा होगा, वैक्यूम क्लीनर में क्या करते हैं, जो भी कचरा है उस कचरे को निकालने के लिए, उठाने के लिए। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो गैसेस होंगी उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम पंप से कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर है, दिस इज अबाउट द क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, कंटिन्यू करते हैं भाई आगे। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं वर्किंग, कि उसने काम क्या किया। तो मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय विलियम क्रूक ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका क्या मेथड था। उसने क्या किया, ही टुक द डिस्चार्ज ट्यूब एंड फिल इट विद गैस और एयर। उसने गैस या फिर एयर से इसको फिल कर लिया ट्यूब, एंड फिल इट विद गैस और एयर, इसके अंदर गैस या एयर भर लिया, ठीक है। एंड स्टडीड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन कंडक्टेंस ऑफ
कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी गैसेस ठीक है, उसने गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस स्टडी किया। उसमें क्या स्टडी किया कि प्रेशर का इफेक्ट क्या है, प्रेशर का इफेक्ट क्या है। याद रहे, गैसेस ज्यादा होंगी तो ज्यादा प्रेशर होगा, गैस कम होंगी तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। उसने क्या किया, ही अप्लाइड वेरी हाई वोल्टेज दैट इज अराउंड 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, यहां पे से 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। याद रहे, पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी होता है, डिफरेंस यू नो, तो यहां पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जेनरेट हो गया, दोनों की एबिलिटी अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट का आ गया। 10,000 वोल्ट का उसने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, वेरी हाई वोल्टेज दैट इज 10,000 वोल्ट, ठीक है। इनिशियली, अब ये उसने काम किया था, इनिशियली व्हेन द गैसेस वर प्रेजेंट इन दी ग्लास ट्यूब एट अराउंड वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पे जब गैसेस थी अंदर, तो उसने क्या देखा, यहां पे गैसेस भरी हुई है, ठीक है, ये गैसेस भरी हुई है भाई, ठीक है। तो उसने क्या देखा, एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, बच्चों याद रहे एटमोस्फेयर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट है एटमोस्फेयर या फिर एमएम ऑफ एच, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं कि यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेयर, एटीएम से लिख देते हैं, ठीक है। एटमोस्फेयर, वन एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, इतना होता है एक एटमोस्फेयर। तो आप चाहे तो इसको मिलीमीटर ऑफ एच जी में भी ले सकते हैं। तो इनिशियली जब गैस भरी हुई थी वो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ही थी, ठीक है। तो उसने क्या देखा, इनिशियली व्हेन द गैसेस वर प्रेजेंट इन द ग्लास ट्यूब एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, ही observed no conductance, he observed no conductance, उसने कोई conductance observe नहीं किया, ठीक है, और no flow of current between the electrodes, electrodes के बीच में कोई भी current का flow नहीं था, क्यों, because air or gas is bad conductor of electricity, ये bad conductor हैं, ये electricity को pass नहीं होने देंगे, bad conductor of electricity, वो electricity को pass ही नहीं होने देंगे। तो ये थी पहली observation भाई, समझ गए। तो उसने फिर बाद में क्या किया, he reduced the pressure of gas up to 10^-2 atmosphere, उसने क्या कर दिया, 10^-2 atmosphere कर दिया, he reduced the pressure of gas up to the 10^-2 atmosphere, रिड्यूस कर दिया 10, और कितना बना दिया, 1 atmosphere था, अब कितना हो गया 0.01 atmosphere कर दिया, कम कर दिया, तो क्या हुआ, he reduced the pressure of gas to 10^-2 atmosphere, बताओ कैसे कम करेगा। तो तुम कहोगे सर अगर गैस कम होगी तो कम प्रेशर लगेगा, और गैस कम कैसे होगी, by removing
दी गैस, अच्छा बच्चों याद रहे गैस ही लिख रहा हूं बट एयर भी हो सकती थी, बाय रिमूविंग दी गैस फ्रॉम दी डिस्चार्ज ट्यूब फ्रॉम सीडीटी बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप को यूज करते हुए उसने प्रेशर कम कर दिया, भाई कर दिया। अब उसने क्या किया, व्हेन ही अप्लाइड हाई वोल्टेज, जब उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या देखा, ही अप्लाइड हाई वोल्टेज ही ऑब्जर्व्ड द फ्लो ऑफ कंडक्टेंस, फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के बीच में उसने क्या देखा, फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रोड्स एंड इवन सम कलर इज ऑल्सो ऑब्जर्व, कलर वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व, कलर भी कुछ दिखा उसको, कलर वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल अगर नियोन गैस है तो इनकेस नियोन गैस होती तो उसने कैसा कलर देखा था, इनकेस ऑफ नियोन उसको दिखा था ऑरेंज रेड कलर इज ऑब्जर्व। तो बीच में क्या दिख गया, तो ये तो था वन एटमोसफेयर पे नो फ्लो ऑफ करंट, कोई करंट फ्लो नहीं किया, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वन एटमोसफेयर पे था। अब दूसरा डायग्राम बना रहा हूं यहां पे आप लोगों के सहूलियत के लिए, यहां पे ये वही सेम, कुछ और तो करना ही नहीं है आप लोगों ने। ओके सो दिस इज योर कैथोड, दिस इज एनोड, ठीक है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो क्या हुआ, इसके बीच में उसने क्या देखा, कुछ ग्रीनिश ग्लो देखा, ठीक है, ऐसे ग्लो हो गया। तो यहां से जो उसने कुछ कलर ऑब्जर्व किया और उसको पता क्या चला कि यहां तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ये वैक्यूम पंप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, टू वैक्यूम पंप। वहां पे वैक्यूम पंप को बंद कर देते हैं, ये वाली ट्यूब को बंद कर देते हैं, यहां नहीं किया था, यहां पे भी निकालने के बाद बंद ही कर देना है। दिस इज ए फ्लो ऑफ करंट और ये कब हुआ, जब 10^-2 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है भाई, बीच में से पता चल गया। अब उसने क्या किया, अब इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, उसने क्या किया, ही फर्दर रिड्यूस्ड द प्रेशर ऑफ गैस टू 10^-3 to -4 10^-4 एटमोस्फेयर, और भी कम कर दिया, बाय रिमूविंग द गैस फ्रॉम द सीडीटी बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। अब ऑलमोस्ट कोई भी गैस अंदर है ही नहीं, व्हेन ही अप्लाइड हाई वोल्टेज ही ऑब्जर्व्ड नो करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के बीच में उसको कोई भी क्या नहीं दिखा, करंट नहीं दिखा, ठीक है। यहां से अब देखते हैं, तो अब क्या किया जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना भाई स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, यहां से उसने ये सेम, अब ये ऑलमोस्ट इवैक्यूएट हो चुकी है, खाली हो चुकी है, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, तो उसको कुछ कलर नहीं दिखा। तो उसने क्या किया कि भाई जरूर कुछ तो हो ही रहा होगा, भाई कुछ ना कुछ तो इनसे